हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है किस्मत के रंग। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। धर्मपुर राज्य के एक उद्यान में राजकुमारी सुपर्णा। हम कब तक इस प्रकार चोरों की तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे? युवराज, यदि आप चाहें तो यह चोरी चोरी का मिलन गहरे संबंध में बदल सकता है। वह कैसे राजकुमारी सुपर्णा? आपके पिताजी महाराज मेरे पिताजी महाराज के पास आए और उनसे आपके लिए मेरा हाथ मांग लें? यह नहीं हो सकता सुपर्णा। हमारे राजकीय वंश की परंपरा के अनुसार लड़की वाला लड़के के पिता के पास लड़की का रिश्ता लेकर आता है, ना कि लड़के का पिता। ओह, तब क्या हो सकता है? हमें जीवन भर इसी प्रकार छिप छिप कर ही मिलना होगा? सुपर्णा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे विषय में तुम स्वयं अपने पिताजी महाराज से बात करो? नहीं, यह निर्लज्जता मुझसे नहीं हो सकेगी युवराज। राजकुमार उद्यान के बाहर खड़ा धर्मपुर का राजा धर्मवर्मन उन दोनों का यह वार्तालाप सुन रहा था। सुपर्णा, तुम हमसे बेशक कुछ ना कहो, पर हम जान गए हैं कि तुम इस युवक से प्रेम करने लगी हो। उद्यान में राजकुमारी सुपर्णा, इससे पहले कि कोई हम दोनों को यहाँ देखे, मुझे जाने की आज्ञा दो। ठीक है, लेकिन जाने से पहले यह तो बताते जाओ कि फिर कब मिलोगे युवराज? परसों, परसों इसी समय इसी जगह हम फिर मिलेंगे राजकुमारी। राजकुमारी सुपर्णा से विदा ले जब राजकुमार उद्यान से बाहर निकला। युवराज तो सुदर्शन है, राजकुमारी सुपर्णा के लिए यह बिल्कुल ठीक रहेगा। उस रात को राजा धर्मवर्मन ने राजकुमारी सुपर्णा को अपने कक्ष में बुलवाया। राजकुमारी सुपर्णा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आशा करता हूं कि तुम मुझे सच सच बताओगी। पूछिए पिताजी महाराज, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? सुपर्णा, वह युवक कौन है जिससे तुम राज्य के एक उद्यान में मिली थी? तत्काल ही राजकुमारी सुपर्णा का चेहरा फट पड़ गया। यह देख बेटी, डरो नहीं, बस हमें तुम सच सच उस युवक के बारे में बता दो। पिताजी महाराज, वह युवक जीत नगर का युवराज जतिन भद्र है। क्या तुम उससे प्रेम करने लगी हो? जी पिताजी महाराज। अगर हम उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दें तो? पिताजी महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ? लज्जा के मारे से भार से दबी सुपर्णा से पिता के सामने अब खड़ा रहा नहीं गया। वह दौड़ती हुई कक्ष से बाहर चली गई। अपने कक्ष में ही जाकर उसने सांस ली। चलो, अच्छा ही हुआ कि पिताजी महाराज को मेरे और जतिन भद्र के संबंध के विषय में पता चल गया। अब पिताजी महाराज निश्चय ही जतिन भद्र के पिता के पास मेरा रिश्ता भेजेंगे। अगले दिन ही जीत नगर के दरबार में महाराज धर्मपुर राज्य के पुरोहित आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, पुरोहित को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद ही धर्मपुर राज्य के राजा का पुरोहित शर्मानंद दरबार में राजा सचिन भट्ट के सामने खड़ा हुआ था। कहिए पुरोहित जी, जीतनगर में कैसे आना हुआ? राजन, यह तो आप जान ही गए हैं कि मैं धर्मपुर राज्य के राजा धर्म वर्मा का राज पुरोहित हूँ। मैं आपके पुत्र जतिन भट्ट के लिए महाराज धर्म वर्मन की पुत्री राजकुमारी सुपर्णा का रिश्ता लेकर आया हूँ। राजकुमारी सुपर्णा बहुत ही सुंदर व सुशील है। इस विवाह से दोनों राज्य के संबंध में प्रागृता आ जाएगी महाराज। पुरोहित का प्रस्ताव सुन राजा सचिन भट्ट मुस्कुराया। राज पुरोहित जी, मैं इस प्रस्ताव के लिए राजा धर्मवर्मन का आभारी हूँ। साथ ही मैं राजकुमार जतिन भट्ट का विवाह राजकुमारी सुपर्णा से करने को तैयार हूँ। ओह, भगवान ने आखिर मेरी सुन ही ली। पिताजी महाराज ने यह संबंध स्वीकार कर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब राजकुमारी सुपर्णा और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। राजा सचिन भट्ट का इतना कहना था कि राज पुरोहित ने नारियल निकाला और उसे सचिन भट्ट की ओर बढ़ाते हुए बोला, महाराज, ईश्वर की अनुकंपा से यह संबंध पक्का हो गया है, इसीलिए आप हमारे राजा द्वारा भेजा गया विवाह का यह नारियल स्वीकार कर लीजिए। सचिन भट्ट ने जैसे ही नारियल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अच्छी ओह, इस अवसर अवसर यह किसने छीक दिया? ओह, ना जाने क्यों मेरी बाई आंख फड़कने लगी है। साथ ही ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आदृश शक्ति मुझे नारियल लेने से रोक रही है। उधर सचिन भट्ट को सोच में पड़ा देख महाराज सोच में पड़ गए। ना जाने अब वे पुरोहित से क्या कहने वाले हैं। अगले ही पल, राज पुरोहित जी, लगता है विवाह इस संबंध पर
पुरोहित जी, लगता है विधाता इस संबंध पर अपनी मुहर लगाने के पक्ष में नहीं है। तभी तो ऐसे, जैसे ही मैंने नारियल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी किसी ने छींक दिया और उसी समय मेरी बाईं आंख भी फड़क उठी। तो महाराज, इसे क्या मैं आपका इनकार समझूं? नहीं पुरोहित जी, आया हुआ नारियल वापस नहीं लौटेगा, पर अब मैं राजकुमारी सुपर्णा के साथ युवराज जतिन भट्ट का नहीं अपितु अपने छोटे पुत्र राजकुमार मतीन भट्ट का विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि युवराज जतिन भट्ट व राजकुमारी सुपर्णा के विवाह में मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। ठीक है महाराज, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, अब तो आप यह नारियल स्वीकार कीजिए। राज पुरोहित के हाथों जैसे ही राजा सचिन भट्ट ने नारियल लिया, पल भर में ही यह क्या हो गया, मेरे जीवन में खुशियां की बहार आने से पहले ही पतझड़ क्यों छा गई, मैंने इस बात की तो कल्पना भी ना की थी। ओह, इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरा विवाह राजकुमारी सुपर्णा जैसी सौंदर्यवर्ती कन्या के साथ होगा। उस रात जब युवराज जतिन भट्ट अपनी शैया पर लेटा, राजकुमारी सुपर्णा को अपने छोटे भाई की भारिया के रूप में मैं क्या स्वीकार कर पाऊंगा? क्या मेरे मेरा दिल इसके लिए गवाही गवारा करेगा? विवाह के पश्चात जब जब राजमहल में राजकुमारी सुपर्णा को देखा करूंगा, तब तब मुझे उसके साथ बिताए अपने मधुर क्षण याद आया करेंगे, और तब वे मधुर क्षण मेरे हृदय में शूल बनकर चुभ चुभा करेंगे। मन में यह विचार आते ही युवराज जतिन भट्ट छटपटाकर शैया पर उठकर बैठ गया। इस दारुण अवस्था से बचने के लिए मैं आखिर करूं तो क्या करूं? तू इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जा जतिन भट्ट, अब इस राज्य से दूर जाकर ही तुझे चैन नसीब हो सकता है, अन्यथा नहीं। मुंह अंधेरे ही युवराज जतिन भट्ट अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसने महल छोड़ दिया। मुझे क्षमा करना पिताजी महाराज, वह माँ कि मैं चोरों की भांति इस प्रकार राज्य छोड़कर जा रहा हूं। सुबह होने पर जब युवराज जतिन भट्ट के शयन कक्ष को खाली पाया गया, अरे युवराज तो कक्ष में नहीं है, इतनी सुबह सुबह वे कहाँ चले गए? वे तो देर तक सोने के आदी हैं। दासी ने तुरंत ही यह खबर जाकर सचिन भट्ट को दी। क्या कहा, युवराज अपने शयन कक्ष में नहीं है? जी, खोजने पर वे महल में कहीं नहीं मिले। ओह, तब जतिन भट्ट कहाँ चला गया? यह देख महारानी, रो नहीं, युवराज जतिन भट्ट जहां कहीं भी गया होगा हमारे गुप्तचर उसे ढूंढ निकालेंगे। तुरंत गुप्तचर युवराज जतिन भट्ट की खोज में चारों ओर दौड़ दौड़ाए गए। उधर युवराज जतिन भट्ट बिना कुछ खाए पिए दिन भर चलता रहा। आखिर वह एक वन में जब पहुंचा, क्या मैं बेघर बंजारों की तरह इसी प्रकार भटकता रहूंगा? कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा कि दुख की इस घड़ी में कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं? उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। बू हू हू हू। अगले ही पल, बू हू हू। युवक, क्यों रो रहे हो तुम? यह सुन रोते हुए जतिन भट्ट ने झटके से सिर ऊपर उठाया। आप, मैं इस वन की देवी हूं, मेरा नाम हरि हरितिमा है, बताओ तुम्हें क्या दुख है? युवक, वनदेवी, अब मैं तुमसे क्या कहूं, तुम तो मेरे कष्टों को जानती ही होगी। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूं। देखो जतिन भट्ट, कठिनाइयों से इस प्रकार घबराकर रोना पुरुषार्थ नहीं अपितु कायरता है। धीरज रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अदृश्य होने की दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा हूं, उस कर रही हूं। उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से तुम जब चाहे अदृश्य हो सकती हो। वनदेवी, तुम आखिर मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रही हो? युवराज, इस समय तुम उस वन की सीमा में हो जिस वन में वन की मैं देवी हूँ। मेरे वन में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रह सकता। आज से तुम भी मेरे वन के एक सदस्य बन गए हो, इसीलिए तुम्हारी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। युवराज, घबराओ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ। जब आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, ना भूलना। वन देवी के अदृश्य होने पर इस वन की देवी मेरे साथ है, इसीलिए अब मुझे इसी वन में कुटिया बनाकर रहना चाहिए। जतिन भट्ट उसी समय कुटिया के निर्माण में जुट गया। दिन ढलते ढलते उसने कुटिया बना डाली। आज से यह कुटिया ही मेरा राजमहल है। वाह हरी तकदीर, कल तक जो महलों में रहता था अब वो इस झोपड़े में रहेगा। उधर राजपुरोहित धर्मपुर पहुंचे। राजपुरोहित जी, दे आए विवाह का नारियल राजा सचिन भट्ट को? हाँ महाराज, दे आया नारियल। आने वाली पूर्णिमा का दिन विवाह के लिए तय भी कर आया हूं, पर
पर मैं राजकुमारी सुपर्णा का विवाह युवराज जतिन भट्ट के साथ नहीं अपितु उसके छोटे भाई राजकुमार मतीन भट्ट के साथ तय करके आया हूं महाराज। यह आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी, हमने तो आपसे युवराज जतिन भट्ट के साथ राजकुमारी सुपर्णा का संबंध तय कर आने को कहा था, फिर यह गलती आपने क्यों की? क्षमा करें महाराज, मैंने तो राजा सचिन भट्ट से राजकुमारी सुपर्णा के लिए युवराज जतिन भट्ट का ही संबंध तय करने की बात बात में कहा था, पर कुछ अपशकुन घट जाने के कारण उन्होंने अपने छोटे पुत्र मतीन भट्ट के साथ ही राजकुमारी सुपर्णा का संबंध तय होना स्वीकार किया। यह आप क्या अनर्थ कर आए राजपुरोहित जी, अनर्थ खुशी की बात को आप अनर्थ कह रहे हैं महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ समझेंगे भी नहीं, पर संक्षेप में इतना ही जान लीजिए कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। उधर धर्मवर्मन उसी समय राजकुमारी सुपर्णा के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताने के पश्चात बोले, राजकुमारी सुपर्णा, किस्मत से अनहोनी घट चुकी है, अब उसे होनी में बदलना तुम्हारे हाथ में है। युवराज जतिन भट्ट के स्थान पर अब तुम्हें राजकुमार मतीन भट्ट के साथ विवाह संबंध स्वीकार करना ही होगा। नहीं, यह नहीं होगा पिताजी, महाराज मैं मतीन भट्ट से नहीं अपितु जतिन भट्ट से प्रेम करती हूँ। बेटी, मैं यह सब जानता हूँ, फिर भी अपने राजवंश की मर्यादा की खातिर तुमसे एक ही विनती करता हूँ कि इस संबंध को स्वीकार करने में ही भलाई है, नहीं तो सबके सामने हमारी नजरें ऐसे नीची होगी कि फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकेगी। ओह पिताजी महाराज, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है, पर विश्वास रखिए कुल को बट्टा लगने का कोई काम मैं नहीं करूंगी। तो इसे क्या मैं तुम्हारी स्वीकृति समझूं? जी पिताजी महाराज। राजा धर्मवर्मन के जाने के पश्चात राजकुमारी सुपर्णा भी जी भर कर रोई। युवराज जतिन भट्ट, मुझे क्षमा कर देना, मेरा भी विवाह तुम्हारे छोटे भाई के साथ तय हो गया है, इसीलिए अब कभी भी मैं तुमसे मिलने बाग में नहीं आ सकूंगी। उधर वन में जतिन भट्ट जंगली फलों को खा पीकर अपने पेट की सुध शांत करता दिन बिताने लगा। उधर जीत नगर में गुप्तचर राजा सचिन भट्ट से कह रहे थे, महाराज हमने चारों ओर दूर दूर तक युवराज जतिन भट्ट की खोज की, पर वे कहीं नहीं मिले। ओह, हमें आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि युवराज जतिन भट्ट इस प्रकार महल छोड़कर क्यों गए, और गए तो कहाँ गए। ठीक पूर्णिमा के दिन राजकुमार मतिन भट्ट की बारात धर्मपुर राज्य पहुंची। राजकुमारी सुपर्णा ने मतिन भट्ट के साथ फेरे लिए। विदा के समय बेटी ससुराल में कुल की लाज रखना। डोली बारात के साथ जीत नगर की ओर रवाना हो गई। डोली में बैठी सुपर्णा सोच रही थी, पिताजी महाराज के अनुरोध पर मैंने मतिन भट्ट से विवाह तो कर लिया है, पर मैं उसकी पत्नी बनकर कदापि नहीं रह पाऊंगी। उसने अपनी उंगली में पहने हीरे की अंगूठी उतारी और उसका हीरा चाट लिया। जतिन भट्ट से बेवफाई कर मैं जीवित रह भी कैसे सकती थी अगले ही पल। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।